Hello everyone, I am going to discuss representation of binary tree in memory. In computer memory, binary tree can be maintained either by sequential or linear representation or by using link representation. First, linear or sequential representation. Sequential representation of binary tree is done using single or 1D array. It is simplest technique for memory representation. Suppose आपके पास एक binary tree given है, इस binary tree को आपको memory में represent करना है, memory में store करना है. उसके लिए हम क्या use करने वाले हैं? Sequential representations means एक 1D array use करने वाले हैं. यहां पे हमारे पास दो 1D array हैं. फर्स्ट की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट है? 1 से. सेकंड की इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट है? 0 से. बेसिकली में यहां हम दो केस लेके चलेंगे. ये आपका है फर्स्ट केस और ये है आपका सेकंड केस. अगर आपकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट होगी तो हमारे क्या फॉर्मूला होंगे, और अगर आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी तो हमारे क्या फॉर्मूला होंगे. सपोज आपके पास एक बाइनरी ट्री गिवेन है और आपको यह पता करना है कि जो हमारा एरे है उसका मैक्सिमम साइज कितना होगा. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, फर्स्ट केस मैक्सिमम साइज ऑफ एरे इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर डी प्लस 1 माइनस 1. D क्या है आपका? D depth of tree. Tree का क्या है? Depth है. Depth क्या होता है? जो भी आपका deepest node होगा tree में, root node से deepest node के बीच में जितने edges होंगे वही आपका उस पूरी tree की depth होगी. यहां पे देखिए deepest node कौन से हैं? 16, 18, 36, 45. इनमें से कोई भी आप नोड कंसीडर कर सकते हैं. सपोज यहां पे मैंने 45 को कंसीडर किया. रूट नोड आपका क्या है? 20. रूट नोड से डीपेस्ट नोड तक में कितनी एजेस हैं? 1, 2, 3. तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पे? d इक्वल टू हो जाएगा आपका 3. तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3 प्लस 1 माइनस 1, यानी ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 4 माइनस 1. ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 1, यानी फाइनल कितना साइज चाहिए एरे का? 15. तो यहां पे देखिए जी 1 से लेके 15, इसका साइज भी 15 है और इसका साइज भी 15 है. हम फर्स्ट कंसीडर कर रहे हैं केस. अब यहां पे जो आपका ट्री गिवन है, जो उसका रूट नोड होगा हमेशा वो फर्स्ट पोजिशन पे स्टोर होगा. जो भी आपका एरे है, चाहे उसकी इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही हो या 0 से, ऑलवेज फर्स्ट लोकेशन पे आपका रूट नोड स्टोर होगा. तो यहां पे आपका 20 हो गया, यहां पे आपका 20 हो गया. अब आपका अगर रूट नोड आपने 1D एरे में स्टोर कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, अब आपको लेफ्ट चाइल्ड रिप्रेजेंट करना होगा एंड राइट चाइल्ड रिप्रेजेंट करना होगा. तो अब हमें यहां पे पता लगाना है कि जो आपका किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड किस पोजीशन पे स्टोर करना है और राइट चाइल्ड को किस पोजीशन पे स्टोर करना है. तो यहां पे आपका पोजीशन ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या होगा आपका? 2 × n. n क्या है? जिस नोड का आपको लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है. n क्या है? जिस नोड का आपको लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है. सपोज यहां पे आपको 20 का लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना कि वो किस लोकेशन पे स्टोर होगा. तो 20 किस लोकेशन पे? फर्स्ट पे. तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2 × 1, यानी सेकंड लोकेशन पे आपका कौन सा नोड स्टोर होगा, या सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा नोड स्टोर होगा? लेफ्ट चाइल्ड. यानी 15 आपका यहां पे स्टोर होगा. सेम पोजीशन ऑफ राइट चाइल्ड
ये होगा आपका 2 इंटू एन प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, यानी थर्ड इंडेक्स पे या थर्ड लोकेशन पे आपका राइट चाइल्ड स्टोर होगा, जो भी 20 का राइट चाइल्ड होगा, तो 35 आपका यहां पे स्टोर हो गया। इसी फॉर्मूले को फॉलो करते हुए हम सारे एलिमेंट्स को इस 1D एरे में स्टोर करेंगे, या हम क्या करें यहां पे नंबरिंग स्टार्ट कर दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पे ध्यान रखना, जब आप नंबरिंग करेंगे तो आप क्या करेंगे, जिन नोड के ना तो लेफ्ट चाइल्ड हैं और ना ही राइट चाइल्ड हैं, उनको भी आपको नंबरिंग करनी है। मींस 7 इसका लेफ्ट और राइट होगा तो क्या होगा, ये हो गया आपका 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 11, ये क्या हो गया आपका 12, ये होगा 13, 14 एंड 15। तो इस तरीके से जब आप नंबरिंग कर देंगे तो आप लेफ्ट टू राइट एलिमेंट को स्टोर करते चले जाइए। देखिए 1 पोजीशन पे 20, सेकंड पे 15, 3 पे 35, 4 पे क्या होगा 12, 5th पे 17, 6 पोजीशन पे 21, 39। अब यहां पे देखिए 8 पे कोई भी नोड नहीं है और ना ही 9 पे कोई नोड है, तो यहां पे हम एलिमेंट स्टोर नहीं करेंगे। 10th पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है 16, 11th पे 18, 12th पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, 13 पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, 14 पे क्या होगा 36 एंड 15 में क्या है आपका लास्ट एलिमेंट 45। तो इस तरीके से आप किसी भी वन डायमेंशनल एरे में बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप सिंपल ये फॉर्मूला फॉलो करें, या तो आप यहां पे जो भी नोड्स हैं उनकी नंबरिंग कर दें, जिन नोड्स के लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है या लेफ्ट राइट दोनों चाइल्ड नहीं है उनकी भी आपको नंबरिंग करनी है, और लेफ्ट टू राइट आप उनको उस एरे में स्टोर करते चले जाइए, तो आपका जो बाइनरी ट्री है उसका रिप्रेजेंटेशन आप 1D एरे के में कर पाएंगे। अब यहां पे सपोज आपके पास एक 1D एरे गिवन है और आपसे पूछा जाए कि किसी पर्टिकुलर नोड का पैरेंट नोड कौन होगा, तो आपको डायरेक्ट तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा पैरेंट नोड है, अगर आपको ये ट्री नहीं पता है, सिर्फ आपको ये 1D एरे गिवन है। उस केस में आप क्या करेंगे, ऑब्वियसली कोई फार्मूला होगा जिसके थ्रू आप पता लगा पाएंगे कि किसी भी एलिमेंट का पैरेंट नोड कौन सा होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है पैरेंट नोड ऑफ अ नोड इक्वल टू एन बाई टू, उसकी कौन सी वैल्यू, फ्लोर वैल्यू। सपोज यहां पे आपको यह पता करना है कि ये जो सिक्स लोकेशन पे या सिक्स इंडेक्स पे एलिमेंट है इसका पैरेंट नोड कौन सा है, तो आप क्या करेंगे यहां पे 6, 2 करेंगे कितना आएगा 3, यानी जो थर्ड लोकेशन पे एलिमेंट है वो इसका पैरेंट नोड है। यहां पे देखिए जरा 20 का पैरेंट नोड क्या है 35, जो कि किस लोकेशन में 35। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर नोड का पैरेंट नोड कौन सा होगा। सपोज आप यहां पे 5th है, इसका आपको पैरेंट नोड पता करना है, तो क्या करेंगे आप n बाई टू, यानी 5th/2, ये कितना आएगा 2.3, इसकी फ्लोर वैल्यू क्या होगी 2, तो सेकंड जो इंडेक्स है ये इसका पैरेंट नोड होगा, किसका 5th लोकेशन वाले एलिमेंट का। तो यहां पे सेकंड में देखिए 15 और 5th में क्या है 17, तो 17 का पैरेंट नोड क्या है 15। तो इस फॉर्मूला के थ्रू आप पता कर पाएंगे कि किसी भी नोड का पैरेंट नोड कौन सा है। जो भी आपके यहां पे एम्प्टी ट्री या सब ट्री हैं उनको हम नल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, जो भी यहां पे ये एलिमेंट्स नहीं है इनके, ना तो लेफ्ट चाइल्ड है और ना ही राइट चाइल्ड है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस। जो भी आपके ये फॉर्मूला गिवेन है, इन फॉर्मूला के थ्रू किसी भी बाइनरी ट्री को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम सेकेंड केस को कंसीडर करते हैं। सेकेंड केस,
सेकंड केस में आपको अगर यह पता करना है मैक्सिमम साइज कितना होगा, तो मैक्सिमम साइज के लिए आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, 2 की पावर डी प्लस 1 माइनस 1। डी क्या है आपका? डेप्थ ऑफ ट्री। डेप्थ ऑफ ट्री कैसे फाइंड करते हैं? जो भी बाइनरी ट्री गिवेन है उसका जो डीपेस्ट नोड होगा, जो उसकी डेप्थ होगी वही पूरे बाइनरी ट्री की डेप्थ होगी। तो आपका ऑब्वियस सी बात है टोटल साइज कितना होगा? 15 होगा। इसलिए यहां पे इंडेक्सिंग 0 से हमने कहां स्टार्ट किया? 14 तक। अब यहां पे आपको ये आपका रूट नोड ऑलवेज फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगा। अब यहां आपको लेफ्ट और राइट चाइल्ड पता करना है कि उनकी लोकेशन क्या है, उनकी इंडेक्सिंग कौन सी है जहां पे उन एलिमेंट्स को हम स्टोर करेंगे। तो यहां पे है आपका पोजीशन ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इक्वल टू 2 इंटू एन प्लस 1। मींस यहां पे आपको अगर यह पता करना है कि रूट नोड का जो लेफ्ट एलिमेंट है वो किस लोकेशन पे या किस इंडेक्स पे स्टोर होगा, उसके लिए आपको यह फॉर्मूला फॉलो करना है, 2 इंटू एन प्लस 1। एन इक्वल टू कितना है यहां पे? 0। तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। यानी फर्स्ट लोकेशन पे आपको रूट नोड का लेफ्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है या स्टोर करना है। इसी तरीके से पोजीशन ऑफ राइट चाइल्ड वो क्या होगा? 2 इंटू एन प्लस 2। यहां पे क्या होगा? 2 इंटू 0, एन की वैल्यू 2, तो पोजीशन क्या आ जाएगी? सेकेंड। यानी सेकेंड इंडेक्स पे आपको इस रूट नोड का जो राइट चाइल्ड है उसको यहां पे स्टोर करना है। दूसरा तरीका जो आपको मैंने यहां पे बताया था सेम यहां पे कर सकते हैं। जो आपका ये 1 से आपने स्टार्ट किया था, अब इसको आप कहां से स्टार्ट करें? 0 से नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6। अगेन यहां पे जो भी नोड का लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है या दोनों चाइल्ड नहीं है उस केस में उनकी भी नंबरिंग करनी है। तो यहां पे 6 7 ये हो गया लेफ्ट, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो जो भी आपने ये नंबरिंग करनी है लेफ्ट टू राइट रीड करते जाइए और यहां पे उन इंडेक्स में एलिमेंट को इंसर्ट करते जाइए। 20 15 35, थर्ड पे क्या है? 12, फोर्थ में 17, 5 21, 6 39, 7th blank, 8th blank, 9 में 16, 10th इंडेक्स पे 18, 11th blank, 12th blank, ये हो गया आपका 13, 13 पे क्या है? 36, ये हो गया आपका 36 एंड ये हो गया आपका फाइनली 45। तो इस तरीके से आप क्या है, अगर आपकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट है तो उस एलिमेंट को जो भी आपके बाइनरी ट्री के सारे एलिमेंट हैं इस तरीके से आप उनको स्टोर कर पाएंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला। सेम यहां पे भी अगर आपको पता करना है किसी पर्टिकुलर लोकेशन के एलिमेंट का पेरेंट नोड कौन सा होगा, तो उस केस में हम यहां पे लिखेंगे पेरेंट नोड ऑफ अ नोड इक्वल टू क्या होगा यहां पे? एन माइनस 1 कि जो भी फ्लोर वैल्यू होगी डिवाइड बाय 2। तो यहां पे सपोज किसी भी एलिमेंट को आप ले सकते हैं, यहां पे 6, तो 6 लोकेशन या 6 इंडेक्स ले सकते हैं। तो यहां पे क्या होगा? 6 माइनस 1 बाई 2, ये कितना होगा? 5 बाई 2। 5 बाई 2 कितना हो जाएगा? 2.5। फाइनली क्या आएगा? 2। अब यहां पे सेकंड इंडेक्स पे क्या एलिमेंट है? 35। तो देखिए यहां पे सेकंड इंडेक्स पे और आप पता करना कर 6 इंडेक्स के एलिमेंट को, यानी 39 का पेरेंट नोड क्या हो गया? 35। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं किसी भी इंडेक्स में जो एलिमेंट है उसका पेरेंट नोड कौन सा होगा। तो ये आपकी फर्स्ट केस है, ये आपका सेकंड केस है। और जो भी आपके
ब्लैंक है जहां पे आपका जो सप्री ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना ही उसका राइट चाइल्ड है, उसको हम नल से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री, इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इजिली इन एनी लैंग्वेज। जो भी आपका सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी बाइनरी ट्री का, उसको किसी भी लैंग्वेज में हम इजिली रिप्रेजेंट कर पाएंगे। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट डिसएडवांटेज है आपका इंसर्शन और डिलीशन इन केस ऑफ बाइनरी ट्री इज टाइम टेकिंग। जो भी आपका बाइनरी ट्री गिवेन है अगर आप उसका सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं उस केस में जो भी आपका इंसर्शन होगा या डिलीशन होगा वो टाइम टेकिंग होगा, जो भी उसको प्रोसेसिंग टाइम है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू लिंक रिप्रेजेंटेशन। सेकेंड आपका डिसएडवांटेज है वेस्टेज ऑफ मेमोरी ड्यू टू पार्शियली फिल्ड ट्री। मींस सपोज आपके पास कोई एक ट्री गिवेन है लाइक दिस और लाइक दिस, इसको बोलते हैं लेफ्ट एस क्यूब्ड ट्री और इसको बोलते हैं राइट एस क्यूब्ड ट्री। अगर आपका ट्री इस तरीके का है उस केस में क्या होगा? अब यहां पे देखिए मैक्सिमम साइज कितना होगा एरे का, जो डीपेस्ट नोड क्या है ये वाला नोड, टोटल कितनी यहां पे एजेस हैं 1 2 3, तो टोटल कितना साइज कितना होगा सेम 15। अब सपोज आपको यहां पे एलिमेंट इंसर्ट करने हैं इस एरे में तो क्या होगा, ये आपका रूट नोड है तो रूट नोड सपोज यहां पे स्टोर हो जाएगा। सपोज ये है आपका 10 20 30 एंड 40, तो 10 आपका यहां पे स्टोर होगा, ये सपोज आपका फर्स्ट लोकेशन है। अब इसका लेफ्ट चाइल्ड कहां होगा, इस पोजीशन पे, राइट चाइल्ड यहां पे कोई एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। अब यहां पे आपका ये हो गया आपका रूट नोड, ये इसका लेफ्ट हो गया, राइट इसका है नहीं, राइट चाइल्ड है नहीं तो उस केस में यहां पे स्टोर नहीं होगा। अगेन क्या होगा, अब यहां पे इधर से स्टार्टिंग होगी यानी ये हो गया आपका 30, ये इसका राइट चाइल्ड है नहीं तो ये जो नोड था इसका लेफ्ट नहीं है ना ही राइट है तो ये और ये क्या होंगे, इसका लेफ्ट नहीं है ये यहां तक। अगेन क्या होगा, यहां पे आएगा ये आपका 40 हो गया, ये नहीं है तो ये स्पेस होगा। अब यहां पे जो नोड होगा इसका ये कोई एलिमेंट स्टोर नहीं होगा, यहां कोई एलिमेंट स्टोर नहीं होगा और यहां पे कोई एलिमेंट स्टोर नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो आपने एरे लिया है एरे का साइज कितना है 15 और इसमें आपने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं 1 2 3 4, ओनली 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4, बाकी का जो आपका स्पेस है ये क्या है, वेस्टेज है। तो ये एरे के डिसएडवांटेज है अगर आपका कुछ इस टाइप की ट्री है यानी राइट स्क्यूब्ड ट्री या लेफ्ट स्क्यूब्ड ट्री, यानी जो भी आपकी ट्री होगी वो लेफ्ट साइड को इंक्रीज कर रही होगी या राइट साइड को इंक्रीज कर रही होगी, तो इस सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन करना है उस केस में मेमोरी क्या होगी आपकी, वेस्टेज होगी। आप यहां पे देख सकते हैं ओनली 4 एलिमेंट्स के लिए हमें कितने साइज लेना पड़ा एरे का, 15 साइज। तो ये आपके डिसएडवांटेज है। अगर आपका जो ट्री है वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, सपोज आपका ये क्या है कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री आपको पता है क्या होता है, ऐसी ट्री जो लेफ्ट टू राइट कंप्लीटली फिल्ड हो यानी एज लेफ्ट एज पॉसिबल, तो ये आपका क्या है कंप्लीट बाइनरी ट्री है। किसी कंप्लीट बाइनरी ट्री को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है उसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू कर सकते हैं हम, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, क्योंकि उस केस में मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। तो अगर आपका ये बाइनरी ट्री गिवेन है कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो यहां पे आप देख सकते हैं सपोज इसका साइज 15 होगा तो ये पूरी तरीके से फिल्ड होगा, सपोज ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो अगेन क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। अगर आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है उस केस में क्या है, जो भी आपका एरे है 15 साइज का उसमें क्या होगा, 1 by 1 सारे एलिमेंट उसमें स्टोर हो जाएंगे, जिससे आपकी मेमोरी वेस्टेज नहीं होगा। तो अगर आपको कंप्लीट बाइनरी ट्री स्टोर करना है तो उसके लिए बेस्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा होगा, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपकी ट्री इस टाइप की है तो इस ये आपका जो सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इसमें क्या होगी, मेमोरी वेस्ट होगा। तो ये आपका है सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो जो भी आपका सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन होगा उसकी एडवांटेज ये है कि इसको किसी भी लैंग्वेज में हम इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि जो भी आपका इंसर्शन और डिलीशन होगा नोट्स का वो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज है कि जो भी आपकी लेफ्ट स्क्यूब्ड और राइट स्क्यूब्ड टाइप की ट्री होंगी, यानी जो लेफ्ट में इंक्रीज कर रही है या राइट ही राइट साइड के नोट्स हैं, उस केस के ट्री को हम सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अगर करेंगे तो मेमोरी हमारी क्या होगी, वेस्ट होगी। अगर आपका ट्री कंप्लीट बाइनरी ट्री है उस केस में हम उसका रिप्रेजेंटेशन किसके थ्रू करेंगे, सिक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू करेंगे, क्योंकि उस केस में आपकी मेमोरी क्या होगी, वेस्ट नहीं होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।